अस्सलाम वालेकुम। आइए फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं चिकन परवल। परवल को पहले फ्राई कर देंगे। हाफ के जी परवल है, सरसों का ऑयल है, सरसों का ऑयल में बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। हाफ के जी परवल है, हाफ के जी चिकन है। चिकन धो लिए अच्छे से। ये तीन बड़े साइज के प्याज है, दो टमाटर है, इसको फाइन काट लेंगे। परवल हमारा फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। इसमें हम प्याज को फ्राई करना है, निकाल लेंगे। तेज पत्ता डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन डाल दिए हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी साथ ही गला लेना है। मसाला पीस लिए हैं, टमाटर भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको भी गला लेंगे। इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, पानी डाल के इसको डाल देना है। इसको डाल देंगे, इसी में गरम मसाला पीस लिए थे, हल्दी नमक धनिया जीरा 1 टीस्पून है डाल देंगे इसको। बाकी स्वाद अनुसार नमक बाद में भी आप डाल सकते हैं, कभी ज़्यादा हो। तो अच्छे से भूज लेंगे, स्मेल इसकी चली जाएगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे गलती से चिकन छोले मसाला, मटन मसाला डालना है। इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे मीट मसाला। परवल भी डाल के इसे भूज लेना है। अच्छे से भूज लिए हैं, अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। देखते हैं, पूरा तेल छोड़ चुकी है, अच्छे से गल चुकी है परवल भी। अब पानी डाल देना है, सिर्फ शोरबे वाला बनाएंगे इसको। चावल रोटी सबके साथ खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। अरे दोस्तों, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, तो रेडी है, ट्राई कीजिए, टेस्टी बनती है। अल्लाह हाफिज़।